अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्टोव एंड ओवन कुकिंग। खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। सर्दी का मौसम बहुत मज़े का चल रहा है, इसीलिए मैं आज बना रही हूँ झींगे की रेसिपी। वो है आधा कप के बराबर मैदा, साथ है मेरे पास हाफ टी स्पून के बराबर नमक, 2 पिंच के बराबर मैंने यहाँ पर लिया है मीठा सोडा, साथ ही मेरे पास है हाफ टी स्पून के बराबर काली मिर्च, 1 टीस्पून मेरे पास है सरीराचा सॉस, हाफ टी स्पून है मेरे पास तकरीबन, हाफ टी स्पून से ज़्यादा है, तकरीबन 1 टीस्पून के करीब करीब है मेरे पास लहसुन पाउडर, पेपरिका पाउडर है मेरे पास यहाँ पर बिल्कुल हाफ टी स्पून के बराबर, और लेमन लिए हैं मैंने 2 अदद। प्रॉन्स को सबसे पहले मैंने बहुत अच्छे से साफ कर लिया है, और प्रॉन के अंदर यहाँ पर एक ब्लैक कलर का थ्रेड होता है इस जगह पर, जिसको हल्का सा छुरी के कट से कट लगा के यहाँ से इस तरीके से यूं पिंच के साथ उस ब्लैक धागे को रिमूव कर लेते हैं। दर हकीकत वो प्रॉन की जो खुराक की नाली होती है वो होती है, और बस वही जो होती है प्रॉन के अंदर से उसको हमें रिमूव करना होता है, प्रॉन बिल्कुल साफ हो जाते हैं। साथ ही इसके अंदर डाल दूंगी मैं ये नमक या मैंने ये काली मिर्च, लहसुन पाउडर। लहसुन पाउडर अगर नहीं है तो आप इसके अंदर ताज़ा लहसुन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सरीराचा सॉस, पेपरिका पाउडर, और अब मैं डाल दूंगी इसके अंदर 2 अदद लेमन। अगर लेमन बड़ा है आपके पास और उसके अंदर रस बहुत ज़्यादा है तो फिर आप यहाँ पर 1 लेमन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत अच्छे से बहुत ताकत लगा के मैं यहाँ पर इसको मिक्स करूँगी। ताकत लगाने का मतलब यह है कि ज़रा हल्का सा दबा कर इसको यहाँ पर मिक्स किया जाएगा, और थोड़ा सा पानी, बहुत कम सा पानी हम इस्तेमाल करेंगे, बिल्कुल 2 टेबलस्पून के बराबर, और फिर से इसको मिक्स करेंगे। फर्स्ट कोटिंग जो इसके अंदर हमने देनी है वो हम देंगे ज़रा इसमें गीली गीली सी, यानी कि एक जैसे बैटर का या आटे का लुक होता है उस तरह से, लेकिन सेकंड कोटिंग जो है वो हम थोड़ी सी इसकी ड्राई रखेंगे। अब जो मेरे पास बचा हुआ मैदा है यहाँ पर, जो मैंने 1 कप मैदा लिया था, उसका मुझे नेक्स्ट स्टेप करना है, और वो ये है कि मैंने 1 प्रॉन उठाना है, इसके अंदर इसको ऐसे करना है, अच्छे से रोल करना है, और इसको झाड़ कर यहाँ पर इस तरीके से एक एक प्रॉन करके रख देना है। फिर से इसी तरीके से 1 प्रॉन उठाऊंगी, इसको इसमें रोल करूंगी और यहाँ पर रख दूंगी। तो इस तरीके से मुझे सारे प्रॉन्स जो हैं वो यहाँ पर मैदे में रोल करके इसमें से निकाल लेने हैं। मैं ये करके वापस आती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि झींगे को बहुत अच्छे से मैंने सारा मसाला लगा दिया है, उसी तरीके से जिस तरीके से मैंने आपको अभी शो कराया था। अब मैं इसको 5 मिनट्स के लिए, 5 to 10 मिनट्स के लिए इसी तरह फ्रिज में रख दूंगी, ताकि जो इसके ऊपर ड्राई बिल्कुल ये मैदा है ये इसके अंदर बिल्कुल एब्जॉर्ब हो जाएगा इसके मसाले के अंदर, और ये बिल्कुल ऊपर से पिंक पिंक सा लुक देने लगेंगे। अच्छा जी, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बहुत अच्छे से जो है वो झींगे का सारा ड्राई पाउडर जो है वो इसके अंदर एब्जॉर्ब हो गया, वो गर्म हो गया है। जैसे ही ये ऑयल की पोजीशन होगी, मैं यहाँ पर इसमें अपने तमाम झींगे जो है वो डालना शुरू करूँगी इस तरह से। एक साइड यहाँ पर जो झींगे की वो पक चुकी है, अब मैं यहाँ पर इसकी साइड हल्के हल्के से टर्न करूंगी बहुत ध्यान से, जब तक ये अच्छे से सेट नहीं होगा इसको नहीं हिलाना है, अदरवाइज इसकी कोटिंग जो है वो एकदम से उतर जाएगी। झींगे जो है यहाँ पर बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, अब मैं इसको डिश आउट करूंगी। तो लीजिए जनाब, ज़बरदस्त से फ्राई झींगा बिल्कुल तैयार है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की रेसिपी बहुत बहुत पसंद आएगी।
तो रेसिपी को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे अपनी दुआ में खुसूसी याद रखिए। दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला आपको, हमें, हमारे बच्चों को और हमारे वालदैन को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।